नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी अफगानिस्तान ह्यूमिलिएटेड इन इंडिया, अफगानिस्तान वेव्ड इंडियन तिरंगा इन स्टेडियम, और ये नाजिया इलाही खान की वीडियो है। आइए मिलके देखते हैं जबरदस्त वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। अब आप इस पे इससे बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर जाना है, बुला लो, बेचारा डायपर वाइपर की जरूरत पड़ गई है तो बोलो मैं भिजवा देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु कर दे। इरफान पठान बहुत बहुत खुश और एकदम तरन हो गए थे, भांगड़ा डालने लगे। हाँ है ये बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए रुपया तो दे लो, आप लोग सब मिल करके खुदकुशी कर लो, देखो जान वान देने से शायद आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा। मतलब Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत की बेटी नाजिया इलाही खान। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने वक्त निकाला है, टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और आज हम बात करने वाले हैं, कल था पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान तो जीत चुका है। उसके बाद हमें बहुत सी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आ रही है, बाबर आजम की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ाओ। तो ये तो बाबर आजम की वीडियो है, और फिर अफगानियों की भी वीडियो वायरल हो रही है कि वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं भारत के साथ, इरफान पठान के साथ स्पेशली उनका डांस बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है अफगानिस्तान का। क्या कहती है मैम, अफगानी तो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने डिफीट कर दिया, बीट कर दिया है, क्या कहती हैं आप? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, तो उनसे एक एंकर ने, एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप मुसलमान के खिलाफ हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मुसलमान और इस्लाम वालों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो उन टेररिस्ट और आतंकवादियों के खिलाफ हूँ जो देश की और इस पूरी दुनिया की शांति को भंग करते हैं, अपनी आतंकी दिमाग से और आतंकी एक्टिविटीज से जो देश को और दुनिया को खतरे में लेकर के खड़ा करते हैं, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। अब बात आती है कि स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का गाना बजा रहे थे, इरफान पठान बहुत बहुत खुश और एकदम तरन हो गए थे, भांगड़ा डालने लगे। साथ साथ कुछ ही दिन पहले राशिद खान की मुलाकात जो है, अफगानिस्तान के प्लेयर की मुलाकात राशिद खान की धोनी जी से हुई थी चेन्नई में। भाई एक चीज तो तय हो गई कि भारत के नागरिकों को, मुसलमानों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तो देख गया, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो मुसलमान है और उनके सपोर्ट में अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जमाने से अपनी अश्लीलता वाली हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अब ये दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, ये बात अब तय हो चुकी है। और एक चीज बहुत जबरदस्त हुई है कि बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर जाना है, बुला लो, बेचारा डायपर वाइपर की जरूरत पड़ गई है तो बोलो मैं भिजवा देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु कर दे। भीख मंगे देश से आया, पांच महीने से सैलरी नहीं मिली है आपके बाबर आजम और ठरके आजम की फौज को,
अब यहाँ अच्छे से ठूस रहा है, खा रहा है, 5-star होटल में रह रहा है, सेंट्रलाइज एसी को ऐसे ऐसे करके एकदम चौक करके देख रहा है, पर खेल नहीं रहा है। सब कुछ कर रहा है पर खेल ही नहीं रहा है। भाई कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने अपने पाकिस्तान के गली कूचे में खेलने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से हारा है, इतिहास के पन्ने में ये नाम लिखा जाएगा कि भाई मतलब इतने भी गधेड़े हो सकते हैं, ये उन्होंने साबित किया है। और बाबर आजम, ठरके आजम की पूरी फौज ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए हैं, वो यहाँ ठूसने आए हैं और वही कर रहे हैं। मैम ये तो बात मानने वाली है, ये जब से भारत गए हैं इनकी सिर्फ खाने पीने की टिकटॉक्स वगैरह ही वायरल हो रही है, प्रैक्टिस की एक वीडियो नहीं अभी तक नजर आई कि ये अब खेलने पर इनका फोकस है या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी, दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि देखिए भारत जो है वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर जो आए हैं, आने से पहले भी उन्होंने जहर उगला, आने के बाद भी उन्होंने जहर उगला, उनको अपने अपने गेम पर फोकस करना चाहिए था। दूसरा कि हैदराबाद के स्टेडियम से उनको अपनी जीत गाजा और हमास के नाम नहीं करना चाहिए था भारत की धरती से। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि जैनब अब्बास को लेकर के पहले ही भारत के नागरिक बहुत इमोशनली हर्ट हो चुके थे, बहुत बुरा लग चुका था जिस तरह से जैनब अब्बास ने माँ काली को और भारत के हिंदुओं को सेंटिमेंटली हर्ट किया था। ये सारी चीजें भारत के नागरिकों के दिमाग से नहीं निकल रही है। देखिए जब ये हैदराबाद में पहुंचे थे तब इनका बहुत ही भव्य और भगवा स्वागत हुआ था, इस चीज से पूरा पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता है, पर अपनी हरकत से ये बाज नहीं आएंगे। इनको जितनी भी इज्जत दे दो ये इज्जत के काबिल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। देखिए बंदर लाख जन्म भी उसको सिखा दो कि ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, वो गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। ये मोहम्मद रिजवान से लेकर के जैनब अब्बास तक ने साबित कर दिया। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो वंदे मातरम का नारा लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। भाई तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? भाई इससे बाबर आजम और ठरके आजम की टीम से अच्छा तो मुझे लगता है कि भारत की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उससे बेटर तो मुझे ऐसा लगता है कि गिल्ली डंडा मैं खेल के दिखा दूंगी, मैं गली में क्रिकेट अच्छा खेल के दिखा दूंगी। इतना गंदा और सिर्फ एड पर पूरा, क्योंकि वहां तो रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं मिलता इन लोगों को, आपके क्रिकेट प्लेयर को यहाँ पर आने के बाद ऐड पे ऐड किए जा रहा है, पूरा फोकस ऐड पर है, पूरा फोकस खाने पर है, पूरा फोकस घूमने पर है। आप ही मुझे बताइए कि आपने कोई भी एक रील्स या कोई भी एक न्यूज देखा जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात रात को नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कोई आपने न्यूज देखा? पर बाकी देश के प्लेयर्स जो है उनके कप्तान खड़े रहते हैं और वो लोग रात रात को भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई इनकी इनकी दशा तो खराब होनी ही है ना, क्योंकि ये तो फोकस ही नहीं है, ये तो अपने अपने काम पर फोकस ही नहीं है। और इनको पता है कि हम यहाँ से जो कमा करके लेकर जाएंगे क्या मतलब है, हम क्यों फोकस करें, हमको क्या लेना देना है। तो जो देश के लोग देश से मोहब्बत ही नहीं करते हैं वो देश के लिए क्या खेलेंगे, वो तो देश के लिए खेलेंगे नहीं। भाई अफगानिस्तान भी तो मुस्लिम देश है, आज कल उसने देश के लिए खेला ना, कल उसने अपने देश के लिए खेला। तो आपका आपके पाकिस्तान के नागरिक हो या पाकिस्तान का कोई भी हो, वो देश के लिए कुछ नहीं करता है। मैंने पब्लिक रिव्यू में भी देखा, मैं उस वक्त मेनस्ट्रीम मीडिया में डिबेट में थी, आपके रिव्यूज चल रहे थे। भाई एक आदमी कह रहा है कि जब तक जान नहीं दी जाती है तब तक जीत नहीं होती है, तो दे लो आप लोग सब मिल करके खुदकुशी कर लो, देखो जान वान देने से शायद आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा। मतलब
एक गधेड़ों वाली बात, इडियोटिक बात, नॉनसेंस बात करने का एक लिमिटेशन होता है। आपके पाकिस्तान के इस्लामिक देश के जितने भी मुसलमान हैं, मतलब जहालत तो है ही है, साथ साथ हर वक्त बम, गोली, बारूद, जान देना, जिहाद करना, सिर्फ यही गजवाए हिंद करना, सिर्फ यही दिमाग में चलते रहता है। ऐसा देश तरक्की तो कर ही नहीं सकता है। बाकी हर एक पूरी दुनिया से थपेड़ और थूक जरूर मिल जाता है। मैम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ओवरऑल अगर बात करें तो वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही आउट हो चुकी है, सिवाय एक मैच के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कोई मैच नहीं जीता है। और कल मैं रात को देख रही थी वीडियोस, तो अफगानियों ने और भारतीयों ने मिलकर वंदे मातरम पढ़ा है, और उसके अलावा अफगानी नाच रहे थे वहां स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान से। भाई इतनी नफरत, चलो पाकिस्तान और भारत का तो पता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, कश्मीर बीच में आ जाता है, लेकिन अफगानिस्तान क्यों भारत को इतना ज्यादा प्रेफर कर रहा है? हालांकि हम तो बोलते हैं कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है। तो बेचारा अफगानिस्तान अगर आपको मतलब समर्थन नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी तो कोई भूल नहीं है। अब मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। अब आप इस पे इससे आइडिया लगाओ कि हर वो देश, 12-13 देश आते हैं वर्ल्ड कप में, पार्टिसिपेट करते हैं, और हर ऑस्ट्रेलिया बोलो, इंग्लैंड बोलो, न्यूजीलैंड बोलो, बांग्लादेश बोलो, अफगानिस्तान बोलो, सबको ये चीज पता है कि हम भारत की धरती पर हैं, तो हमको, हम जिस धरती पर आए हैं वहां पर हम सम्मान देंगे। अब आती है बात कि हर एक प्लेयर्स का, हर एक देश के प्लेयर्स का कितना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना मान, इतना मर्तबा दिया है भारत ने, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तो हर एक देश के प्लेयर्स का बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट दिया गया है। तो उससे भी तो समझ में आता है ना कि एक देश हमें इतना सम्मान दे रहा है, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना मेरे को मान मर्तबा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके दिल में हमारे लिए कोई ना इख्तलाफी या बुराई नहीं है। खेल खेल होता है, आपके अंदर एफर्ट है, आप कैपेबल है, आप खेलेंगे, आप अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और आप जीतेंगे। अब आपके खिलाड़ियों के अंदर हिम्मत ही नहीं है खेलने की, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या बेचारा अफगानिस्तान क्या कर सकता है, या बेचारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है? अब रही बात कि गणपति बप्पा मोरिया का जो एक नारा है, वो एक्चुअली में इतना खूबसूरत है कि आप विदेश में जाइएगा तो वहां भी गणपति मनाई जाती है। इवन इस बार दुबई में दुर्गा पूजा मनाया गया है, 7-8 पंडाले बनी है दुर्गा पूजा में, दुर्गा माँ की स्थापना हुई है, 10 दिन नवरात्रि हुई है और 10 दिन वहां पर पूजा किया गया है, और आज दुबई जैसे मुस्लिम देश में वहां पर आज दशहरा मनाया जा रहा है। तो अगर कोई धर्म आपको अच्छी चीजें बता रहा है, आपको मानवता बता रहा है, आपको संस्कार और संस्कृति बता रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। गजवाए हिंद करेंगे, अरे पहले गजवाए रोटी तो कर लो, उसके बाद फिर पाकिस्तान गजवाए हिंद करेगा। खिलाड़ी तो खेल नहीं पा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, कुत्तों की तरह हार रहे हैं, और ये आए बड़े गजवाए हिंद करने वाले। मैम, कल का मैच देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत का पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी भी पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली है। अब अच्छा, मैं ये तो स्टेडियम के आपको हालात बता रही हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी रहते हैं, कल मैं जब बाहर निकली प्रोग्राम करने, उन्होंने मुझे फट बोला कि भाई हम तो अफगानिस्तान के साथ थे, हम तो नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे। तो मैं बड़ी शॉक रह गई कि भाई तुम लोग यहाँ भी रहते हो, थोड़ा सा तो प्यार कर लो, मगर नहीं, वो लोग तो अफगानिस्तान के साथ ही थे, बल्कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि मैं क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मैं, ये बदतमीजी नहीं है, देखिए पूरी दुनिया में मात्र एक पाकिस्तान इस्लामिक देश है, अपने देश से प्यार नहीं करता है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है, हर कोई अपने अपने देश से बहुत मोहब्बत करता है। हमारा धर्म, हमारा जो रिचुअल है, हमारा जो इस्लामिक तौर तरीका है, वो हमारे घर के अंदर है, पर हम भारतीय नागरिक है, तो हमारा पहला कर्तव्य हमारे भारत के लिए आता है, हमारी भारत माता के लिए आता है। तो उसी तरीके से अफगानियों के लिए अफगान आता है, यूएस के लिए यूएस आता है, न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड आता है,
तो इस पूरी दुनिया में मात्र एक पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिक ऐसे है अपना देश से मोहब्बत नहीं करते हैं, ये मात्र आप लोग हैं, इसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, और यही पाकिस्तानी। आज जो भूखमरी हो रहा है, आपको कोई मुस्लिम ममालिक हेल्प नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप कौन से इस्लाम का झंडा काट रहे हैं जबकि आपको कोई मुस्लिम मुल्क हेल्प नहीं कर रहा है, और आप कौन से इस्लाम और 30 पारे की बात कर रहे हैं, आप कौन से हदीस की बात कर रहे हैं, चाइना मस्जिदों को तोड़ करके बाथरूम बना रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आप कैसे जाली मुसलमान है, आप किस तरह के गिरगिट वाले जाली मुसलमान है। अगर आप वाकई में इस्लाम को मानते हैं तो आप चाइना अगर मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बना रहा है तो आप उस पर भी आवाज उठाइए ना, आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। मतलब क्या है ये बाप बड़ाना भैया, सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए रुपया, मतलब वो मस्जिदें तोड़ दे, वो कुछ भी कर दे, वो हकने की जगह बना दे, फिर भी हम चाइना को मानेंगे आका, क्योंकि वहां से पैसा आता है। आप इतने बड़े इस्लाम वाले होते तो आपको मुस्लिम ममालिक हेल्प करता ना, नहीं कर रहा है ना। आपको एडुकेशन से मतलब नहीं है, आपको ह्यूमैनिटी से मतलब नहीं है, आपको कर्तव्य से मतलब नहीं है, आपको देश से मोहब्बत नहीं है। आपको क्या चीज से मोहब्बत है, आपको निकाह मुत्ता से मोहब्बत है, आपको मस्जिदों में बम फोड़ने से मोहब्बत है, आपको दूसरे फिरका के मुसलमानों को डिप्राइव और अत्याचार करने से मोहब्बत है, आपको हिंदुओं की मंदिर तोड़ने से मोहब्बत है, आपको माइनॉरिटीज को डिप्राइव और डिफेम करने से मोहब्बत है। तो ये सारी चीजें अब ये जो नई दुनिया है, ये नई दुनिया नहीं बर्दाश्त कर सकती है। वो जो चूरन पहले बढ़ता था ना, ये चूरन अब बंद हो चुका है। ये नफरत के चूरन बेचने वाली दुकानों को का शटर गिर चुका है। अब लोग नहीं मानने को तैयार है, और सिर्फ भारत में नहीं, इस पूरी दुनिया के लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका बस एक ही कहना है कि जियो और जीने दो, आगे बढ़ो, एडुकेट हो। ठीक है, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप घर के अंदर पढ़िए ना। मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा करूंगी, लेकिन जो कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे देश के प्रति हमारे ऊपर है, वो तो हमें निभाना है। बिल्कुल सही मैम, आपने रिसेंटली चाइना की मिसाल दी है, तो 1400 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करने का, ये अभी रिसेंटली आज से 2-3 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था, और वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी, और पाकिस्तान में यहाँ किसी को पता ही नहीं था। हालांकि हमें तो बाहर निकल कर उनके लिए स्लोगन्स लगाने चाहिए थे, बायकॉट करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैम देखते हैं, थैंक यू सो मच आपका, आपने आकर, आप हमेशा ही आकर बड़े बोल्ड रिव्यूज देती हैं और बड़े धड़ल्ले से टॉपिक को एक्सप्लेन करती हैं, और किसी से डरे बगैर ऑनेस्टली आप जवाब देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर ही मैम इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था नाजिया इलाही खान निमरा अहमद के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वीडियो था कि अफगानिस्तान कल जीता और बड़ी ही ज़बरदस्त जीत थी, और पाकिस्तान हारा, बहुत ही बुरी तरह हारा, उस पर डिबेट और चर्चा चल रही थी। और इस जीत के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर गई। अब देखें, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आपस में आज कैसे नज़र आ रहे हैं, जैसे एक भाई और भाई भाई का रिश्ता है, और दोनों एक दूसरे को उसी तरह ही सपोर्ट कर रहे थे। अफगानिस्तान टीम जीती, उसका कप्तान तिरंगा लेकर मैदान में घूमता है, ये आम बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। वहाँ नाच गाना होता है, वहाँ डांस होता है, वहाँ सेलिब्रेशन होती है, तो भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो साथ में भंगड़ा करते हुए नजर आते हैं, खास करके इरफान पठान। और एक और बड़ी बात हुई कि एक वीडियो डाली गई अफगान क्रिकेट टीम की जानिब से, जो कि वो अपने रूम में सेलिब्रेट कर रहे थे, और फिर वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाए उन्होंने, अफगानियों ने। तो जो वो वीडियो, एक छोटी सी वीडियो उन्होंने पोस्ट की, उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स चेक किए लोगों के, भारतीय लोगों के, तो एक बात यहाँ से साबित हुई कि भारतीयों को मुसलमानों से तो नफरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मुसलमानों से, ना ही इस्लाम से, ना ही अल्लाह अकबर से। बल्कि ये लिखा गया थले, नीचे लिख रहे थे लोग कि आज पहली बार अल्लाह अकबर का नारा भी अच्छा लग रहा है। तो क्यों अच्छा लग रहा है, वजह कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं और जो वो भारतीय हिंदुस्तान को
वहां के बंदे मातरम नारा हो, वहां के लोगों को, वहां के तराने को, वहां के कल्चर को, हर एक चीज को जब वो इज्जत दे रहे हैं तो फिर उनको अल्लाह अकबर के नारे से भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम पाकिस्तानी लोग कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे, इस्लाम को बीच में लाकर, जिहाद के चीज को जो है ना, हर एक चीज को जब हम कंट्रोवर्सी बनाते हैं सियासत, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है और फिर हमें ये बुरी लग जाती है। लेकिन हकीकी तौर पर वो राइट पर है, वो हक पर है जब वो अग्रेशन दिखाते हैं हमारे खिलाफ, कहेंगे तो उनको तो बुरा लगेगा जब वो इस तरह से अग्रेशन दिखाते हैं। आप देखें, पहले से ही लग रहा था कि अफगानिस्तान टीम ये मैच जीत जाए। क्यों लग रहा था? कि वो जीतने आ गए थे ये मैच, वो जीतने पर आ चुके थे। उनकी बयानबाजी, उनके मैच की तैयारी और हर चीज, हमें डर था कि हम हार जाएंगे और वो ही हुआ। हमारी टीम भी डरी हुई नजर आई। हमारी टीम वहां पे वो एक मैच जीत गए श्रीलंका के, हम गजा के नाम करते हैं, भाई क्या तकलीफ है तुम्हें गजा के नाम के। अब अफगानी प्लेयर ने क्या किया है, उसने जीत कर दी उन लोगों के नाम जो यहाँ पे फोर्सफुली पाकिस्तान से उनके रेफ्यूजीज निकाले जा रहे हैं। तो अब बड़ी मिर्चें लग रही हैं, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बड़े ही बवेले में जा रहे हैं। हमने इतने साल उनकी मेहमान नवाजी की, अब देखें जी हमारा मीडिया चीख रहा है कि वो अफगानी ने ऐसा कर दिया, अफगानी नमक हराम हो गए। भाई नहीं, बिल्कुल नहीं है, जो सच है सच की तरह कहना है, फोर्सफुली उनको नहीं निकालना चाहिए, ये उनका दूसरा घर था। अब देखिए बर्तानिया ने ऐलान कर दिया है भाई वो हमारी तरफ आ जाओ भाई, इन अफगानियों को हम अपने मुल्क में पनाह देने पर तैयार राजी हैं, तो वेलकम करते हैं यार वो। उनकी तो किस्मत चमकी, एक भूख मरी में जीने वाले मुल्क में से निकल के वो एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहां पे उनके बच्चों का भी हर किसी की ख्वाहिश है कि वो जाए और वहां जाकर रहे। ये सारी चीजें अब एक अलग तरह से ये हो गई। लेकिन दूसरी तरफ एक बहस है कि बाबर आजम खेला, बाबर आजम को बुरा भला कहा जा रहा है, बाबर आजम की टीम को बुरा भला, और इस हद तक कहा जा रहा है कि जो एक चीज देखिए, बहुत सारी टीमें खेलने आई हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं अच्छा खेल रहा, हिंदुस्तान के आगे 200 पे आउट हो जाती है, यहाँ पे वो अपने सारे मैचेस हार रहे हैं पाकिस्तान वाला एक मैच छोड़ के, फिर वहां पे जो टीम है इंग्लैंड की जो दिफाई चैंपियन है उसकी परफॉर्मेंस भी बुरी है। अगर उनकी परफॉर्मेंस को पाकिस्तानी टीम के साथ रेट किया जाए तो पाकिस्तान 4 पॉइंट्स लेकर चौथे नंबर पर आज भी पॉइंट्स टेबल पर खड़ी है, चौथे पांचवें पे वो चल रही है। तो लेकिन इस हद तक हमारी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बुरी नहीं है। हाँ, हमारे लिए जो हम सोच रहे हैं वो वाली कारकर्दगी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक है, वो उस जगह पे खड़े हुए और टीमों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिलता, उनको खाने को नहीं मिलता, यहाँ पे ठूस नहीं रहे, वो यहाँ लोगों की मोहब्बतों को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें भी वो मोहब्बत मिल रही है, उन्हें भी वो प्यार मोहब्बत और इज्जत और मकाम मिल रहा है। और आज भी बाबर आजम नंबर वन प्लेयर है वनडे का, और हमारी टीम भी यहाँ पर आने से पहले रैंकिंग में नंबर वन है। और ये चीजें ऐसे नहीं हो जाती, यहाँ उनकी परफॉर्मेंस बुरी है, हम नहीं सोच रहे थे, हम भी शॉक्ड हैं कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस कैसे है। हो सकता है ग्रुप बंदी हो सकता है कि उनके दिन ही खराब चल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्लेयर्स भी अच्छा खासा कमाते हैं, उस तरह से नहीं कमाते जिस तरह इंडियन प्लेयर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कमाते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। और ये जो चीजें कही गई वीडियो में ये बिल्कुल भी सरासर गलत है, अगर आप ऐसे ही बोलते जाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हर चीज अच्छी चीज को सपोर्ट करना चाहिए, जहां नेगेटिविटी हो उसको काउंटर भी करना चाहिए। चीज ये देखें, कोई भी टीम है, अब देखिए हमने ये क्या, हम देखें हार जीत होती रहती है, लेकिन देखिए अफगानिस्तान अच्छा खेला, ठीक है। अब एक वक्त था T20 में बाबर आजम रिजवान अच्छा खेले और हम 10 विकेट से जीत गए, तो हम उसको जो है ना वो वर्ल्ड वाली हार नहीं कह सकते, जिस तरह से नाजिया इलाही खान कह रही थी 8 विकेटों से हार जो है ना वो किसके साथ तशबीह दी गई थी। हार जीत क्रिकेट में होती है, उसको उसी के हद तक रखना चाहिए। देखिए हमारी टीम है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन चीज ये है कि एक छोटी टीम जो अब बड़ी बन चुकी है, हर कोई हमेशा जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो हरा चुकी है। और देखिए दूसरे ही वर्ल्ड कप में उसने जो है ना पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों को हरा दिया है, तो उसके देखिए इंग्लैंड वाले मैच को किसी ने नहीं लिया, ना इंडियन मीडिया ने कोई किया, ना उसके ऊपर यूट्यूबर्स ने कोई कहा, ना अफगानिस्तानियों ने उसके ऊपर कोई ऐसी चीज की, लेकिन
पाकिस्तान के जो हार है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं ना, उस चीजों को हम डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने किया, हक पर थे, बिल्कुल सही किया। मैं कहता हूँ और करना चाहिए, इतनी सेलिब्रेशन की और ज्यादा करें, बिल्कुल उनके साथ हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन चीज ये है कि उसको अब सियासत की नजर तो नहीं ना करना चाहिए। अब चीज ये आप देखिए, जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो इसको जो बुरा खेलता है। अब देखिए, हम सारी टीम की परफॉर्मेंस का जो नजला है वो हम सिर्फ बाबर आजम बाबर पे डाल देते हैं कि वो कैप्टन है तो उसके ऊपर आ जाता है, तो यही वजह। लेकिन यही होता है लीडर के ऊपर जो है ना। लेकिन बाबर को एक टीम अच्छी सिलेक्ट करके जाना चाहिए था, नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने किया मन मर्जी से टीम सिलेक्ट की। यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स की भी जरूरत थी, उनको लेकर जाता, उसको तजुर्बाकारों की जरूरत थी। पता होना चाहिए था मैं एक बड़े इवेंट में जा रहा हूँ, मेरी जो कारकर्दगी है इसको लोग उस तरह से डिफेंड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोई आम सीरीज नहीं है, इंडिया में जाके आप खेल रहे हो, ऊपर इस तरह की कारकर्दगी आप दिखा रहे हो, तो फिर गालियां खाने के भी हकदार आप ही हो। और जितना भी तनकीद की जाएगी आपके, आपको ये सब आप बर्दाश्त करना आपको इस तनकीद का जवाब है ना। अगर कम बैक आप नहीं करते हो तो आपकी कप्तानी भी जाने वाली है, जाने आपको तो बता दूं। अगर आप इस तरह से उसको सीरियसली नहीं लेंगे, आप और आपके बाकी प्लेयर्स जिस जिसकी भी कारगर्दगी है सबकी छुट्टी करवा दी जाएगी। और अगर आपने वापस आना है थोड़ी सी मान बनाना है तो अभी भी कुछ भी गया नहीं है, आइए परफॉर्म कीजिए, मैदान आपके लिए खाली पड़ा। और ये बात नहीं है कि आपको वहां पे सपोर्ट नहीं है, आपके लिए दिल दिल तराने नहीं बजाए जा रहे, ये हो रहा वो नहीं, बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है वहां पे। मैंने देखा यार, आज मैं कश्मीर से लड़के पाकिस्तान की वो जर्सी पहन कर वहां पे कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। इंडियंस पाकिस्तानी जर्सी पहन के इनको, और क्या चाहिए भाई आप लोगों को, सिर्फ परफॉर्मेंस पे तवज्जो दीजिए और परफॉर्म करके दिखाइए। अभी भी बड़े मैचेस पड़े हैं, ना जाएंगे सेमीफाइनल में कोई बात नहीं, लेकिन अगले मैचेस दिखाइए। और ये जो आप पे आप दाग से थोड़ा सा धो के नहीं तो वापसी फिर इस तरह जैसे होता है वो आपको पता ही है। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।